आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिनके साथ आज हम करेंगे बेहद फिल्मी बातें। तापसी, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तापसी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सा मौका था जब आपको लगा कि आपको भी एक्टिंग करनी चाहिए, एक एक्टर बनना चाहिए? वो पॉइंट तब था जब मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई और वो बहुत लोगों ने पसंद करा, उसमें मेरे को पसंद किया, तो मुझे लगा एक्टर बनना चाहिए अब। तो एक्चुअली मैं वो पहले पिक्चर के बाद था, उससे पहले मैंने एक्टर बनने की सोच से पिक्चर नहीं करी थी। मैंने सिर्फ कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, कुछ अलग है, कुछ हटके है, टाइम है मेरे पास कुछ अलग करके देखने का, क्योंकि अभी मैं तैयारी कर रही थी अपनी MBA के लिए, तो इस वजह से एक्सपेरिमेंट किया था मैंने तो अपनी लाइफ के साथ, तो वो कुछ अच्छा निकल आया। और फिर पहली पिक्चर के रिजल्ट के बाद मैंने डिसाइड किया चलो अब एक्टर बनते हैं। तापसी, मैं जानना चाहूँगा कि पहली दफ़ा आपने कैमरा कब फेस किया था, उस एक्सपीरियंस को अगर आप शेयर कर पाए हमारे साथ। पहला सीन जो था मैंने आर्डिकुलम अपनी एक तमिल फिल्म के लिए शूट किया था धनुष के साथ, तो उस सीन के अंदर मेरी दो लाइनें थी जिसमें से एक इंग्लिश में थी, एक हिंदी, एक तमिल में थी। एंड वो मुझे दो लाइनें मैंने इतनी बारी याद कर ली, इतनी अच्छे से याद करी थी कि मैं सपने में भी बोल सकती थी वो दो लाइनें, और वो मेरे को बोलनी थी धनुष के साथ खड़े होके। तो स्ट्रेस इस बात का था, कैमरा फेस करने का स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मैं 6 साल की हूँ तब से मैं कैमरे के सामने परफॉर्म कर रही हूँ एज ए डांसर, बिकॉज आई एम अ ट्रेन डांसर। स्कूल कॉलेज के दौरान मैं स्टेज पे बहुत परफॉर्मेंसेज देती थी, तो उसका डर नहीं था, मुझे सिर्फ एक्टिंग और लैंग्वेज का स्ट्रेस था जो बहुत मेरी शक्ल पे भी दिख रहा था। और ये एक्चुअली डायरेक्टर ने पिक्चर के हित में यूज़ किया, क्योंकि उस सीन के अंदर मुझे बड़ा स्ट्रेस्ड और बड़ा उस टाइप का कि क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा वाला एक्टिंग चाहिए थी उनको, तो उन्होंने मुझे उसी सीन में डाला पहले, और वो डायलॉग मैंने उसी कंफ्यूजन में बोला और वो बहुत अच्छा टेक हो गया। तो वो मेरी पहली लाइन और पहला शॉट था लाइफ का। तो आपसे ये बताइए कि पहला पेचेक कितना था और आपने उसका क्या किया था? पेचेक तमिल फिल्मों के लिए नहीं था, पहला पेचेक था जब मैं कुछ 6-7 महीनों के लिए मॉडलिंग करी थी कॉलेज के दौरान, और वो सिर्फ मैंने पॉकेट मनी के लिए करी थी, क्योंकि मन था एक्स्ट्रा शॉपिंग करने का, कपड़े खरीदेंगे, कॉलेज के अंदर नया नया शौक होता है, कैजुअल कपड़े पहनने को मिलते हैं, और फिर मेरे पेरेंट्स जो कहते थे क्यों है तो फिर तुम्हारे पास इतनी टी शर्ट्स और जीन्स क्यों चाहिए, तो मेरा मन करता था मैं न्यू कपड़े खरीदूँ। सो वो पॉकेट मनी कोई मुझे मिलती नहीं थी ऐसे फिक्स्ड, जो जब मुझे पैसे चाहिए होते थे तो उनको बताना पड़ता था कि किस लिए चाहिए, और तो पैसे मिलते थे, तो मैंने कहा चलो ये तो लग रहा है कि इससे आई कैन अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, तो कर लिया। तो मैंने कहा पोर्टफोलियो खिंचवाया, और पोर्टफोलियो खिंचवाने के अगले दिन ही एक छोटी सी एड मिल गई प्रिंट शूट, जो 4,000 रुपये मिले थे बस, वो था पहला वे चेक। और उसका क्या हुआ पता नहीं, बैंक में गया वो, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसका, खर्च कर दिया होगा मैंने, मैं खर्च बहुत अच्छे से आसानी से कर देती हूँ पैसे। तापसी, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती, क्या कर रही होती आज? MBA करती, मेरे कोई इसकी दो राय नहीं है, मैं करना ही वो चाहती थी। एक्टिंग तो बाय चांस हैज हैपन टू मी, मैंने कोई प्लान नहीं किया था, नहीं तो मैं एटलीस्ट एक प्ले और ड्रामा में तो पार्टिसिपेट कर लेती स्कूल कॉलेज में, कि थोड़ी तो एक्टिंग का मतलब मुझे आइडिया हो जाता, वो भी नहीं किया मैंने कभी। मेरे पहला प्ले और ड्रामा कैमरा के सामने हुआ है, तो उससे पहले कभी कुछ किया नहीं था, तो इसीलिए तो मेरा मेन आइडिया था MBA करनी है, जॉब करनी है, उसके बाद रेगुलर सैलरी आनी चाहिए मंथ के एंड में घर पे, मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना था मेरे को बस। हमें कुछ अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताइए कि आप फिल्में देखते हुए बड़ी हुई हैं, आपने काफ़ी फिल्में देखी होंगी, कुछ चुनिंदा फिल्में जो आपको बेहद पसंद हैं? मेरी पहली पिक्चर जो थिएटर में थी, एक तो ना मेरे घर वाले खुद पिक्चर देखते नहीं हैं ज़्यादा, तो इस वजह से ऐसा नहीं था कि हमें वो लेके जाते थे थिएटर में, तो और मेरे ख्याल से 11th 12th से पहले तो मतलब मैं कोई स्कूल बंक करने वाली लड़कियों में से भी नहीं थी, तो 11th 12th से पहले मैंने ऐसे स्कूल से निकल के खुद अकेले पिक्चर देखने जाना वाला काम किया ही नहीं। तो मेरी पहली पिक्चर थी जो थिएटर में, जो मेरे घर वाले मुझे दिखाने लेके गए थे, वो थी छोटा चेतन, जो 3D में थी, तो मैं वो देखने गई थी। उसके बाद मैं अपनी 11th 12th के अंदर कभी फ्रेंड्स के साथ चली गई एक दो बारी, तो बट मेरा प्रॉपर फिल्म देखना कॉलेज के दौरान शुरू हुआ, वो भी ऐसी फिल्में होती थी जो रिलीज़ हो गई है और लोगों ने बोला बहुत अच्छी है बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, तो हम कॉलेज के बाद क्लासेस जल्दी ओवर हो जाती थी तो चले जाते थे देखने के लिए। वो ऐसा नहीं था कि हम फ्राइडे एडवांस बुकिंग कर रखी है, क्लासेस बंक करके जा रहे हैं पिक्चर कोई देखने, ऐसा नहीं होता था। मेरे लिए फिल्म्स हमेशा एक तरह से एंटरटेनमेंट का मीडियम रही हैं। मैं ये नहीं कह रही मैं सिर्फ कॉमेडी फिल्में देखती थी कि सिर्फ वही एंटरटेनिंग होती है, नहीं, सीरियस फिल्म्स भी होती हैं एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग मतलब 2 घंटे जो मुझे पकड़ के बैठे सीट पर अपनी,
मैं बोर ना हो जाऊँ जिसको देख के, जब मैं थक ना जाऊँ किसी को देख के, तो वो वाली पिक्चरें मैं देखती थी मतलब, पर वही जैसे मैंने आपको कहा फ्राइडे फ्राइडे वाली नहीं, मतलब सुनाई देता था अच्छी है तो देखती थी। फिर तापसी आज की तारीख में आप बेहद संजीदगी के साथ एक्टिंग कर रही हैं, तो एक्टिंग के आपके लिए क्या मायने हैं इस वक्त? ऑब्वियसली अब तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ उस समय एक्टिंग को छोड़ के, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरे को नहीं मौका मिला एक्टिंग करने का और अगर अच्छे रोल नहीं मिले, पिक्चरें नहीं मिली, तो मैं कुछ और कर नहीं पाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। अगर मेरे को खुदा ना खास्ता ऐसा कोई दिन आए जब लोग मुझे रिजेक्ट कर दें कि नहीं देखनी पिक्चर इसकी, मतलब पसंद नहीं आ रही मेरी परफॉर्मेंस या फिल्म, मैं कुछ और कर लूँगी। मतलब लाइफ का एंड एंड नहीं होता कुछ, मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं अपनी लाइफ फिर भी आगे चला सकती हूँ। तो बट हाँ, अब अभी इंजॉय कर रही हूँ तो कर रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं करती कि अपने आप को रोज़ मार मार के यार जाना पड़ेगा। जिस दिन वो दिन आया ना मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ा जाने के लिए, उस दिन मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तापसी जानना चाहूँगा आपसे कि सिनेमा का मतलब आपके लिए क्या है, आप क्या सोचती हैं सिनेमा के बारे में? मैंने इतनी कोई इतना कोई मैं ऑब्सेशन मुझे फिल्मों से रहा नहीं है बचपन से लेके अभी तक, मैं कभी वो फ्राइडे क्रेजी मूवी गोअर नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। मेरे को अपना काम बहुत पसंद है, मुझे वो एक्शन और कट के बीच में जो करती हूँ मैं, मुझे वो बहुत मज़ा आता है। मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के स्टोरीज जानने में मज़ा आता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ्री टाइम में मतलब नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन को मैं तो चार्ट डालूंगी, ऐसा नहीं होगा। जब मेरे को कोई सुनाई दिया है कि अच्छी पिक्चर है, कोई किसी ने मुझे रेकमेंड करी है कि देखो ये वाली पिक्चर, तो देख लूंगी जब समय होगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर मतलब बैक टू बैक फिल्में देखती जा रही हूँ खाली टाइम में, ऐसा नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं एक्टर हूँ तो मतलब मैंने सारी यूरोपियन सिनेमा देखा होना चाहिए या सारा हॉलीवुड रटा होना चाहिए या मुझे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता है इतनी, उसके बिना भी मैं काम कर सकती हूँ इतना, ऐसा कोई बात नहीं है कि मुझे ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि एंट्रेंस एग्जाम के इसके ये पता होगा तो ही आपको एंट्री मिलेगी। मुझे अपने प्यार से बहुत मतलब काम से बहुत प्यार है, शायद इसी वजह से मेरी गाड़ी चल रही है, तो मुझे वो हिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं है सिनेमा की उसके लिए। तो आपसे सिनेमा देखते वक्त कोई क्रश तो डेवलप हुआ होगा, कौन से वो एक्टर्स हैं जिन्हें देखकर आपको क्रश हुआ? हाँ, बहुत बहुत मतलब अभी बोलते हुए थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अभी भी वो हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो मैं बचपन बोलेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। आई रिमेंबर वेरी वेल, आई यूज टू हैव दीज पिक्चर्स और यू नो ऑफ जॉन, ऑफ ऋतिक, ऑल दीज गाइज, नॉट लाइक पोस्टर्स इन द रूम, बट आई रिमेंबर आई यूज टू हैव सम पिक्चर्स और सम न्यूज़ पेपर दैट आई कीप विल हैव सम रियली गुड पिक्चर ऑफ देयर्स और समथिंग, सो या सो मे बी या दोज पीपल। तापसी, एक चीज़ जो सिनेमा ने आपको सिखाई है? पेशेंस, मतलब वेट। मतलब मैं बहुत इंपेशेंट होती थी पहले, मैं किसी चीज़ की वेट नहीं कर सकती थी, मेरे को जल्दी जल्दी सब जल्दी कर जल्दी कर। अभी जो सेट पे वेटिंग पीरियड होता है, सेट शॉर्ट सेटअप होने का, प्रिपरेशन टाइम, यू नो लाइटें लग रही हैं, रेडी हो रहा है, रिहर्सल हो रही है, ये वो, जो पेशेंस का काम है। फिर उसके बाद पिक्चर मिलने का पेशेंस, पिक्चर रिलीज होने का पेशेंस, तो हर तरह से एक पेशेंस जो सिखाती है ये इंडस्ट्री, वो मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखी है। तो आपसे वो क्या चीज़ है जो आप चाहती हैं कि बॉलीवुड में बदल जाए? इम्प्रूव तो ये होनी चाहिए यार, मुझ जैसा एक आउटसाइडर तो यही प्रे करेगा कि आई होप सिलेक्शन प्रोसेस फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म से हट के थोड़ा ये हो जाए कि कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, तो या तो ये हो, यही एक छोटी सी शायद चीज़ है जो काफ़ी चेंज हो चुकी है, बट काफ़ी चेंज होना बाकी है। तापसी, कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आप करना चाहती हैं? देखिए, मैंने रोल करे हैं ना रिसेंटली, काफ़ी वैरायटी हो गई है, तो अभी मेरे दिमाग में इंस्टेंटली जो आता है मैंने नहीं किया है, मेरे को ना वो करनी है एक साईफाई थ्रिलर, जैसे एक्स मैन, एवेंजर्स, उस टाइप का मुझे कोई ये सुपर ह्यूमन का जो कैरेक्टर होता है ना, चाहे वो एक्स मैन के अंदर एक म्यूटेंट हो, चाहे वो एक एवेंजर हो किसी तरह का, मुझे उस टाइप का कैरेक्टर करने में मज़ा आएगा। तापसी, ABP न्यूज़ के साथ ढेर सारी फिल्मी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।